Hello everyone, I am Shweta Singh here with another video which is going to be clearing your all doubt related to beside and beside. I have noticed that so many students make a lot of mistake when they use beside and beside. They don't know when to use, where to use. So today I'm going to be clearing your all doubts. So without any further ado, let's get into the video. So there is beside and besides. Okay, first we will talk about beside. For example, he lives beside my house. He lives beside my house. Suppose कोई लड़का है या कोई friend है जो मेरे घर के पास में रहता है. Okay, so he lives beside my house. है ना? बिसाइड यूज किया गया है मेरे घर के पास के लिए, तो हुआ ना ये नेक्स्ट टू, सो बिसाउस. हाँ, सो ही लिव्स बिसाइड माई हाउस. बिसाइड माई हाउस यानी कि मेरे घर के पास में. ही रहता है मेरे घर के पास में. सपोज कोई आपका फ्रेंड हो या आपका कोई जानने वाला हो जो आपके घर के पास में रहता है या बगल में रहता है, तो हम यूज करेंगे ही बिसाइड का. सेंटेंस होगा ही लिव्स बिसाइड माई हाउस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड लिव्स बिसाइड माई हाउस. मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर के पास में रहती है. ओके, सो माई फ्रेंड लिव्स बिसाइड माई हाउस. ओके, दिस इज बिसाइड बिसाइड माई हाउस यानी कि घर के पास में. दिस इज बिसाइड, देर इज नो एस. कीप दैट इन योर माइंड दैट विद बिसाइड वी विल नॉट यूज एस. ओके, और बिसाइड का ही मीनिंग होगा पास में, बगल में, किसी चीज के पास में. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कम एंड सिट बिसाइड मी. मेरे पास आओ और मेरे पास में बैठो यानी कि मेरे साइड में बैठो. इधर बैठिए या इधर बैठिए, पास में तो दोनों ही होगा. सो बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी. इज देयर इज अ मॉल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज अ मॉल बिसाइड द हॉस्पिटल. यानी कि वहाँ पे एक मॉल है, किसके पास? हॉस्पिटल के पास. मॉल बिसाइड द हॉस्पिटल यानी कि मॉल है बिसाइड द हॉस्पिटल. देर इज अ मॉल बिसाइड द हॉस्पिटल. वहाँ पर एक मॉल है हॉस्पिटल के सामने. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई पुट माई कीज बिसाइड द प्रिंटर. मैंने जो अपनी कीज हैं वो प्रिंटर के पास रखी हैं. यानी सपोज आपकी कोई कीज है, आप किसी को बताना चाह रहे हो कि वो कीज आपने कहाँ पे रखी है, वो प्रिंटर के पास आपने उसके बगल में रखी है. एंड यू वॉन्ट टू टेल इट इन इंग्लिश. Okay, so you are going to use beside. Okay, so I put my keys. Put means रखी हैं. I put my keys, चाबियाँ, beside the printer. यानी कि printer के पास में. Okay, so this beside is now clear. Okay, इस beside का means होगा पास में, next to, बगल. Sides. As you can see, there is extra s here. The spelling is same, but this is beside. Besides. ओके, सो इसका यूज होता है के अलावा हिंदी में. ठीक है ना? इसका मतलब होता है इन एडिशन टू और एज वेल एज. मतलब कि किसी चीज के अलावा जब आप कोई काम करते हैं तो बिसाइड्स का यूज करेंगे, ना कि बिसाइड का. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल, योर डाउट इज गोइंग टू बी क्लियर, डोंट वरी अबाउट. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज बिसाइड्स टीचिंग हिंदी शी टीचेस मैथ. The first sentence is beside teaching Hindi she teaches math. यानी कि के अलावा, as I told you, so besides teaching Hindi, यानी हिंदी के अलावा she math भी पढ़ाती है. So besides teaching Hindi she teaches math. Next is besides speaking English Riya speaks Chinese. यानी कि English के अलावा Riya Chinese भी बोल लेती है. अलावा, हम इस besides का यूज़ करते हैं अलावा को बताने के लिए. लाइफ में हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, वेयर वी यूज़ इन एडिशन ऑफ. एडिशन मतलब यू आर एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन कि किसी चीज़ के अलावा भी आपने कोई काम किया है. इन दिस केस यू विल यूज़ besides. Besides. ओके, लेट्स टेक अ लुक to another example which is besides doing job she studies. यानी कि पढ़ने के अलावा वो job भी करती है, तो beside doing job she studies. Okay, she studies. Beside dessert I took lunch. Beside dessert I took lunch there. Besides dessert, I took lunch there. यानी कि मैंने वहाँ पे सिर्फ डिज़र्ट ही नहीं खाया, डिज़र्ट के अलावा मैंने वहाँ पे लंच भी किया. So besides
dessert, I took lunch there. Next example is, besides car, I will buy mobile on Diwali. Yani ki, car ke alawa, main mobile bhi Diwali par khareedunga. Besides car, I will buy mobile on Diwali. किसी भी फेस्टिवल्स के नाम होते हैं तो हम उन फेस्टिवल्स से पहले ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है।